पेट्रोल ये ग्रे और एक ही वाइट कलर का है, काफी ज्यादा एक्टिव है। मतलब वही रेट में देखो इतने बड़े, और वो एक अभी इसके अंदर आएगा हमारा रैबिट कुछ पलों में, ठीक है। मौसम देखो बारिश खुलने के बाद मौसम कुछ ऐसा होता है, बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा सा स्काय वगैरह देखो। ये सब देखने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ, देखो जो बॉक्स देख रहे हो ना आप लोग, मतलब ये बॉक्स मैंने आज से कुछ 2 या 3 महीने पहले लाया था, अभी इसके अंदर आएगा हमारा रैबिट कुछ पलों में, ठीक है। मतलब मैंने थोड़ा सा लिया था और ये थोड़ा सा ना मतलब भीग गया है, थोड़ा गीला गीला हल्का हल्का सी फील हो रहा है बस, बट अभी देखते हैं हम लोग इसी के अंदर रखेंगे, ज़्यादा गीला रहेगा ना तो पूरा करेंगे, ऐसा रहेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। देखो सबके लाइफ में ना एक पेट तो होता ही होता है, तो एक चीज़ बता दो सबसे पहले, अलग अलग पेट का शौक होता है, किसी को रैबिट का, कैट का, डॉग का और बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेट होते हैं। मैं भी कुछ भी ऑलमोस्ट 4 या 5 मंथ से सोच रहा कि भाई कोई पेट लूँ। पेट के अच्छे से बताता हूँ आप लोग को, ठीक है, कि पेट लूँ। मैंने बोला कि भाई हम लोग तो कोई सब पेट ले सकती है, घर पर अलाउ नहीं करेंगे इंडियन पेरेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा। मैंने डिसाइड किया 1 महीने पहले कि मैं लूँगा रैबिट। अगर देखो मैं रैबिट लूँगा ना तो उसका ख्याल रखना मेरा मस्ट रहेगा, तो मैं 2 लेने वाला हूँ, मतलब एक मेल एक फीमेल की, दोनों एक दूसरे के साथ रह सके, टाइम स्पेंड कर सके, तो तब अपना टाइम स्पेंड करके अपना मन बहला लूँगा, बट जो वो रहेगा वो किसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, इसलिए तो चलते हैं बाहर और जैसा रहेगा ना आप लोगों को। देखो सब ना यहाँ पर ऑलमोस्ट फोन ही यूज़ कर रहे हैं यार, मतलब एक हद होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम गया जब सब बैठ के कजिन्स के साथ बात करते थे और टाइम इंजॉय करते थे। मैं बैठे लेकर लोग चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या लेने वाले। तो मैं ये बैग हमेशा ही कैरी करता हूँ, इसके अंदर ना एक ही थैली कैरी किया, थैली क्यों कैरी किया मैं आप लोग को नीचे चल के बताता हूँ। क्रॉक्स बारिश से चलता है भाई, बस बैठे रहो, कुछ काम वाम नहीं करते, क्या काम है, बस बैठना है। पोस्ट को ना एक छोटी सी कंजेस्टेबल कैरी बैग में रखूँगा ना तो मतलब 2 नहीं आ पाएंगे देखो, इसलिए एक थोड़ी सी बड़ी सी कैरी बैग लेके इसके अंदर मैं बस किसी भी तरह लेके आ जाऊँगा, फिर उसके बाद तो घर पे बॉक्स है ही, इसके बाद अपन इसको बॉक्स में डाल के रखते हैं। इस कैरी बैग को मैं फोल्ड करके बैग में डाल लेता हूँ। गाइस देखो अभी तो हम लोग ऑटो लेंगे और ऑटो लेके हम लोग जाएंगे मतलब शरीफा रोड के थोड़ा सा आगे और सोनाजी लेंगे से पीछे, एड्रेस एग्जैक्ट नहीं पता है। धीरे धीरे चलते हैं और ऑटो पकड़ के देखते हैं कौन सा ऑटो में जाएंगे। अमृत नगर जाएंगे अंकल, अमृत नगर भाई वो उनको मिलते। गाइस देखो मतलब आप लोग को तो पता है काका नगर की एक जो लाइन है उस लाइन के अंदर मतलब एक पेट शॉप जिसका नाम खीजर एक्वेरियम है, मतलब मुमरा के अंदर ना सबसे ज़्यादा फेमस वही ऑलमोस्ट अगर जाना जाए तो, वहाँ पर 2 से 3 दिन तक का देखा, बट वहाँ से मुझे खरगोश नहीं मिल रहा था, बोले थे कि बारिश का टाइम आएगा, तो धीरे धीरे थोड़ा अंदर हो जाते हैं, चलते हैं वहाँ पर, मतलब मैं वहाँ के आप लोग गली बता दूंगा ना उतर के, आप लोग को इजीली समझ जाए। और ये बारिश की बात करी जा रही है, बारिश अभी देखो आप लोगों को थोड़ा मौसम ऐसे ही पता चलता होगा, मतलब आप लोगों को नहीं चुकता। तो गाइस देखो ये हम लोग फाइनली उतर चुके हैं, मतलब ये देखो शरीफा रोड मुमरा में पता ही होगा, और वो काका नगर की लाइन में जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वहाँ पर मिल नहीं रहा था, यहीं से आगे से कोई तो गली में था मुझे भी नहीं पता, और वो गली में जैसा लाइन से पेट शॉप है वहाँ पे। धीरे धीरे चलते हैं आप लोगों गली का बाहर से भी बता दूँ भाई, मतलब अभी से भी ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्या होने वाला है, क्या लेने वाला, कौन सा कलर लो, बहुत सारे कलर होते हैं ना। तो अभी चलो धीरे धीरे भी हम लोग आगे चलते 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 आई गेस ये गली है, हाँ ये गली है, देखो मुमरा पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है और ये लाइन में ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब यहाँ पर एकदम लाइन से पेट शॉप है बहुत सारे, तो आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग धीरे आगे चलते और मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ से कि हाँ यही है, बहुत सारे लाइन से कोई ये लाइन में आप लोगों को बहुत सारी लाइन से पेट शॉप्स दिख रही है। मतलब सोचा कि छोटा सा ऐसी बस ब्लॉग टाइप बना दूँ कि जो भी रहेगा ना आप लोगों को बता दूँगा, धीरे धीरे आगे चलते हैं वहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ, जो भी रहेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ।
पहले एक ये दुकान था और एक ये दुकान था, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े खरगोश को देख रहे थे। ये बड़े हैं और ये भी मतलब वही रेट में, देखो थोड़े बड़े और वो एक मंथ के, ये थोड़े बड़े बड़े बड़े। अभी तो मैं फाइनली पेट शॉप पे आ चुका हूँ, बट लेने से पहले मैं किसी से पूछता हूँ कि कौन सा लेना है। कलर देखेंगे, मैं मतलब छोटा बच्चा ही लूँगा, बड़ा नहीं लूँगा। बड़ा लेके मतलब नहीं छोटा लूँगा, लोग बड़े तो ज़्यादा मजा आएगा। तो लिए ग्रे और एक वाइट कलर का है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। दे दो भाई दोनों, क्या रेट बोले भाई दोनों का, क्या देंगे? 450 देंगे, चलो ले लेते हैं। दो बच्चे लिया इसके अंदर मतलब है, अभी लोग घर जाके निकालेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। दो ले लिया फाइनली। देखो मैंने पेट ले लिया तो मैंने थैली के अंदर रखा है, तो इतना देर तक का तो मैं घूम नहीं सकता हूँ, फटफट घर जाता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ और बाहर से देखते कैसा क्या रहेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बट अब ऑटो पकड़ेंगे, अब घर जाने की बारी है। अभी छोटा ही लिया यार, अगर बड़े लेते ना तो एबल टू ब्रीड रहता, और बड़े ना मतलब ज़्यादा बड़े वाले से छोटे थे, छोटे को पालने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब बड़े वाले से ज़्यादा ही छोटे वाले ज़्यादा एक्टिव लगे, लेकिन लोग अपने ना ईयर से ना पूरा डाल इसे बाहर निकालेंगे अभी घर जाके अच्छे से। भाई मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना आज, लग रहा है बस किसी भी तरह एकदम जल्दी जल्दी मैं घर पहुँच जाऊँ और इसको निकालूँ और अपने फ्लोर पर देखो कितना ज़्यादा एक्टिव है। देखो मैं बड़े लेता, बड़े उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं था, जो भी बड़ा खरगोश लेता है एक्चुअली ब्रीडिंग के पर्पज़ से ही लेता है। अभी तो ब्रीडिंग कराने का कुछ मेरा ऐसा प्लान है नहीं, बट जब बड़े हैं तो लोग भी करेंगे। और एक और चीज़ था, मैं एक मेल और फीमेल लेने वाला था, चीज़ मुझे पता चली है कि मतलब इसके अंदर मेल और फीमेल बच्चे में नहीं देख सकता, जब बड़े होंगे तब पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है। बस ओवर एक्साइटमेंट है अभी हम लोग, मैं घूमते नहीं आता, शॉर्टकट लूँगा जल्दी जल्दी घर जाने की जल्दी है। फाइनली बस घर पे पहुँचने वाला, चलिए हम लोग जाएंगे और जल्दी जल्दी खोलेंगे, सबके रिएक्शंस कैप्चर करेंगे क्या रहता है। खरगोश आए, एक खरगोश आए, खरगोश खरगोश, अरे गाइस देखो फाइनली खरगोश ये रहा हमारा, सब देख ही रहे हैं यहाँ पे। ग्रे वाला लिया था, सबसे वाला ये ग्रे वाला है, इसके अंदर एक बार डाल के देखते हैं यार, मतलब इसका ना मतलब थोड़ा टाइट्स। देखो अभी इन लोगों को तो लेके आ गए, सबसे पहले कैरेट का, कैरेट लेके एक बार खिला के देखते हैं। चुपके बढ़ गए साथ में है ना, खरगोश बहुत ही ज़्यादा शांत है ये वाला है, और उसकी ना बहुत शांत है, मतलब इन लोग शांत है, इसलिए मैंने ये कैट हो गया और चूजे वगैरह को इन लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, कोई एकदम शांत। ये वाले बॉक्स के अंदर हम लोग डालने वाले थे, और इसके अंदर देखो ये पुराना मैट है, मतलब इसके ऊपर हम लोग हाथ वगैरह क्लीन करते हैं ना, वो है इसको ये मैं। अच्छा देखो खरगोश कैसा लगा, तो ये पत्ता हर जगह उड़ रहा है, आज थोड़ा काम में आएगा, इसको थोड़ा सी खिला के देखते कि मतलब ये खाएगा ये नहीं खाएगा, नेक्स्ट खाएगा। हमारे लाम लखन अभी अपना मील ले रहे हैं, खा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा इन लोगों को कॉलीफ्लावर दिया था, और ये तो मेरा बॉक्स है फिलहाल, ये बॉक्स के अंदर मैं थोड़ा सी मैट लगा दिया है और ये थोड़ा सी कैरेट रखा है। तो इसको जो हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे वो देखेंगे दूसरे व्लॉग में, अगर आप लोगों को देखना है व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे उसको हम लोगों ने कैसे कस्टमाइज़ किया, कैसे क्या क्या किए, सारा चीज़ बताऊँगा, और जो भी रहेगा मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताऊँगा। अदरवाइज आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आजकल देखो मेरे चैनल का बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है, आप लोग शेयर को जितना ज़्यादा हो सके, आप एक को शेयर करो, दो को, दूसरे को शेयर करो, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सी यार सोचो मेरे बारे में भी। इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी और कोशिश करूँगा कि भी कंसिस्टेंट रहूँ, जैसा रहेगा मैं आप लोगों को बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वॉचिंग मॉम बटर। मेरा एक नया शॉर्ट्स का चैनल है, वो भी अम्मो लाइफस्टाइल करके, उस चैनल को भी आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करना, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रही हूँ।